हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं थिंक टैंक चैप्टर नंबर 10। कंटिन्यू करेंगे। थिंक टैंक का पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे है, एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिडिक के अंदर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बेसिक के अंदर ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और न्यूट्रल में दोनों इक्वल होता है। तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिडिक कहलाएगा, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो बेसिक कहलाएगा, और तो अगर दोनों एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है तो इट विल बी कंसिडर एज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ये पूछा जा रहा है कोडीन जिसका फॉर्मूला है C18H21NO3 इज यूज एज अ पेन किलर, एक पेन किलर के तौर पे यूज होता है। इट डिजॉल्व इन वाटर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये रिएक्शन बन जाता है, कोडीन आयन बन जाते हैं और ओ एच आयन अलहदा हो जाता है जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कोडीन को और वाटर को ऐसा ब्रोंस्टेड लोरी एसिड ऑफ बेस। ठीक है, अगर कोडीन को आप देखें यहाँ पे तो कोडीन ने क्या करा, वाटर से एक हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन यानी प्रोटोन एक्सेप्ट किया है। प्रोटोन एक्सेप्टर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और जो प्रोटोन डोनेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हम पता चलता है द ब्रोंस्टेड लोरी बेस इज कोडीन एंड द ब्रोंस्टेड लोरी एसिड इज वाटर इन अबव रिएक्शन। गॉट इट, क्योंकि कोडीन ने H प्लस आइन एक्सेप्ट किया है, जो एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है और जो डोनेट करता है H प्लस आइन वो क्या होता है, एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एग्जामिन सम वेज इन विच यू माइट डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर वाटर सॉल्यूशन कंटेन्स एन एसिड और अ बेस। हमें ये पता चलाना है कि कोई जैसे जो हमारा सॉल्यूशन है वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है, एसिड है या बेस है, हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, हम लिटमस पेपर की मदद से मालूम कर सकते हैं, हम इंडिकेटर सॉल्यूशन जैसे फिनोक्लीन है, मिथाइल रेड है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं, या हम फिजिकली हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम पीएच मीटर कहते हैं, हम पीएच मीटर की मदद से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ कॉमन इंडिकेटर जो कि लैब के अंदर हम स्कूल और कॉलेज से इंटर कॉलेज तक हम यूज़ करवाते हैं स्टूडेंट को, उसकी लिस्ट है जिसमें मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनोक्टिलीन है, ये कॉमन है। और ये जो कलर चेंज देते हैं, मिथाइल रेड 5.5 पे देगा यानी एसिडिक के अंदर कलर रेड कलर देगा और बेसिक के अंदर येलो कलर हो जाएगा। ब्रोमोथाइमोल ब्लू है ये 7 यानी न्यूट्रल पे जो है वो हमें देता है एक्चुअल कलर देता है, ब्लू कलर देता है, और ये जो एसिडिक होता है तो येलो शो करता है, और जिसमें बेसिक में टर्न होता है 7 और उससे ज़्यादा होता है वो ब्लू कलर देना शुरू करता है। अगर हम फिनोक्लिन की बात करें तो ये 9 पीएच यानी बेसिक पीएच पे जो है वो कलर देता है, पिंक कलर देता है, और अगर 7 से कम हो यानी वो एसिडिक साइड पर हो तो वो कलरलेस होता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कहा जा रहा है द टेबल बिलो शोज द कलर्स ऑफ टू इंडिकेटर, दो इंडिकेटर के कलर बताए गए हैं एक एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द कलर ऑफ ए, ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए अगर रेड है तो पीएच अगर 3 है तो क्या कलर होगा, और पीएच 10 है तो क्या कलर होगा। ए की अगर हम बात करें तो ए के अंदर अगर जब पीएच 3 है तो इट मीन्स कि ये एसिडिक है, एसिडिक होता है तो रेड कलर देगा, और अगर हम दूसरे की बात करें नंबर 2 की तो अगर ये पीएच 10 है तो ये बेसिक इन नेचर है, तो बेसिक है तो कौन सा कलर देना चाहिए, ब्लू कलर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका सी पार्ट है, वो तो ए पार्ट था, सी पार्ट है प्रेडिक्ट द कलर ऑफ बी इंडिकेटर बी इन द सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5। हमें बी के बारे में बताया कि 5 सॉल्यूशन होगा, 5 पीएच होगा तो उसका क्या कलर होगा। ठीक है, तो हमें पता चलता है 5 जो है वो एसिडिक शो करेगा, 5 क्या कलर होगा, एसिडिक शो करेगा, और एसिडिक कैसा होगा, वो कलरलेस होता है। राइट, अच्छा, इसका सी पार्ट है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर बी आर प्लेस इन द सॉल्यूशन एक्स, एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सॉल्यूशन एक्स जिसका एक्स इन्होंने सपोज किया है और उसके अंदर हम कौन सा इंडिकेटर डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं, इट टर्न्स इमीजिएटली, ये इसका कलर रेड हो जाता है, इट टर्न्स रेड इमीजिएटली, फौरी तौर पर रेड
कलर शो होता करता है, तो हमें क्या पता चलता है जब बी है हमने रेड कलर दिया है, रेड कलर का होता है अल्कलाइन या बेसिक में होता है, तो हमें ये पता चलता है कि ये कैसा है बेसिक इन नेचर। ठीक है, एक्स विल बी अल्कलाइन बेसिक इन नेचर। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स अब हमें क्या पता चलेगी, टेस्ट बिटर होता है, ठीक है, ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, स्किन के लिए कोरेसिव यानी सेंसिटिव है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो 20 के अंदर इन्होंने क्वेश्चन दिया है, बैक्टीरिया इन आर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड स्टक ऑन आर टीथ एंड चेंज इनटू एसिड। हमारे मुंह के अंदर जो दांतों के साथ जो पार्टिकल रह जाते हैं फूड के, वो क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ टूथपेस्ट ऑफ पीएच 10 कैन हेल्प प्रिवेंट द एसिड फ्रॉम डैमेजिंग आवर टीथ। जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिसका पीएच 10 होता है, तो वो क्या करता है, इस एसिडिटी को रिमूव कर देता है। टूथपेस्ट ऑफ पीएच 10 माइल्डली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन है, द अल्कलाइन पीएच ऑफ टूथपेस्ट हेल्प न्यूट्रलाइज द प्लग एसिड्स विच कॉज टू डिके, यानी जो हमारे स्पेस फूड के ज़रात पार्टिकल रह गए थे जो एसिडिक इन नेचर थे, जब हम यूज़ करेंगे टूथपेस्ट तो क्या होगा, वो उस एसिडिटी को रिमूव कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है कैन अ सब्सटेंस बी अ लुइस एसिड विदाउट बींग ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। जी हाँ, बिल्कुल हम बता सकते हैं, अगर उसके पास एच प्लस साइन नहीं है, यानी वो ना तो एक्सेप्ट करें ना डोनेट करें उसके पास सही नहीं, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेसिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो लुइस के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, यस, प्रोस्टेट क्लोरी एसिड आर ओनली एड्रेसिंग द रिलीज ऑफ एच प्लस मॉलिक्यूल। ठीक है, जहाँ जिसके अंदर एच प्लस आइन होगा तो वो प्रोस्टेट क्लोरी का जो लॉ है वो थ्योरी है वो अप्लाई की जाएगी, बाकियों पे अप्लाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो हम वो हरे सारे सब्सटेंस जिसके अंदर एच प्लस आइन नहीं है उसको भी हम ऐसे एसिड और बेस कंसिडर कर सकते हैं। अलुइस एसिड डिस्क्राइब प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम डोनर कंपाउंड। लुइस एसिड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर जिसको हम कहते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करें तो वो लुइस एसिड है। सिंस ब्रॉन्स्टेड लोरी ओनली टॉक्स अबाउट द हाइड्रोजन आइन, इट कैन ऑल्सो बी लुइस एसिड, बट लुइस एसिड एक्सटेंड द एक्सेप्ट टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोर्सेज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, सो दे आर नॉट ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। तो वो सारे सब्सटेंस जिसके पास एच प्लस आइन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं रखते, उनके पास एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्ट करें तो वो लुइस एसिड है, और अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर वो डोनेट करें तो इट विल बी कंसिडर एज अ बेस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।